हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो हम काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल रखने वाले हैं। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि हमारी कार की जो हैंड ब्रेक है वो लगाने पर इस बार जो हमारा क्लस्टोमीटर है उधर उधर जो उसका सिंबल होता है हैंड ब्रेक का वो वर्क नहीं कर रहा है, चाहे हम हैंड ब्रेक हटाएँ या लगाएँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्लस्टर मीटर पर कि हैंड ब्रेक एंगेज होने के बाद भी हमारा जो सिंबल है वो नहीं आ रहा है। ये देखिए, इस टाइम पे हैंड ब्रेक है जो वो एंगेज है पूरी। मैं हटा भी देता हूँ एक बार एंड फिर से इसको लगा भी दो एंड आपको इधर मैं मीटर पे दिखाता हूँ। ये देखिए मीटर में यहाँ पे लाइट आती है, इधर इधर वो नहीं आ रही। अभी मैं आपको इग्निशन की को ऑफ करके ऑन करता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको कि जो लाइट है वो किधर आती है। देखिए इधर आ गई ना अब लाइट, ये वाली अभी चली जा रही है। भले ही हमारी हैंड ब्रेक लगी हुई है फिर भी ये जा चुकी है। दोबारा से आपको दिखाता हूँ, हैंड ब्रेक हमारी इंगेज है, उसके बाद भी यहाँ पे लाइट नहीं है। इसका जो ये हमारा कंसोल है, हैंड ब्रेक का ये कंसोल है, इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने का तरीका आपको दिखाता हूँ। सो देखिए जो ये कंसोल है इसमें इधर ये आपको बटन दिख रहा होगा, इसको हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस तरह से रिमूव करेंगे, ये हट जाएगा। एंड सेम पीछे में हमारा ये गिवन है, यहाँ पे इसको आप पकड़ के पुल करेंगे तो ये पूरा इजीली निकल जाएगा। तो इसको भी हमने निकाल लिया। यहाँ पे आपको ये 10 नंबर का बोल्ट दिखाई दे रहा है, इसको ओपन करेंगे एंड सेम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। तो चलिए पहले इसको खोलते हैं हम 10 नंबर के बोल्ट से जो खुलेगा। तो हमने फर्स्ट वाला जो है बोल्ट उसको ढीला कर लिया, अभी सेकंड वाले को ढीला करते हैं हम। ये भी ढीला हो गया, दिखाता हूँ आपको पास से। अब इन दोनों को निकाल लेते हैं। सो ये दोनों निकाल लिए, लूज़ हो गया। अब इसको पहले पीछे से निकालेंगे, ठीक है। इसको हमने अच्छे से पीछे से पुल कर लिया है एंड अभी दिखाते हैं, इसको हम पूरा निकाल लेते हैं। हैंड ब्रेक को थोड़ा और पुल करेंगे एंड इसको इस तरह से इजीली ये निकल जाएगा। ये देख दिखाओ इधर, ये हमारा निकल के है, ठीक है। इसको हम रख देते हैं पीछे एंड अब यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि हमारी हैंड ब्रेक क्यों नहीं काम कर रही है। इधर देखिए आप, पास से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे स्विच दिख रहा है आपको, सो ये देखिए आप, यहाँ पे आपको एक स्विच दिख रहा होगा, ये निकला हुआ है। ये देखिए ये स्विच हमारा निकला हुआ है, ये वाला स्विच। तो ये इस तरह से वर्क करता है हमारा, जब हैंड ब्रेक हमारी नीचे होती है तो ये नीचे प्रेस हो जाता है एंड ऊपर हटाते हैं तो ये हट जाता है। तो स्विच पे वायर लगी होती है वो नहीं है, ये वाली वायर जो आगे से आ रही है वो निकली हुई है इस टाइम पे। देखते हैं कहाँ है, ये रही, मिल गई, ये वाली वायर है, इसको हम इसमें लगा देंगे। मैंने इसको लगा दिया है एंड अब इग्निशन चालू करके देखते हैं एक बार। इग्निशन चालू, बस वो देखिए आप, नहीं जा रही है। अब मैं हैंड ब्रेक हटाता हूँ, गई हैंड ब्रेक, वापस पुल करता हूँ, आ गई, हटाया, गई वापस आ गई। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हमारा सिर्फ ये वायर हटा हुआ था, मेरा हटा हुआ था। हो सकता है आपकी वायर कट हो गई हो, चूहों ने काट दी हो, या अपने आप ही कहीं से कोरोड हो करके कनेक्शन लूज़ हो गए हो, या फिर यहाँ पे आपका थोड़ा सा रस्ट या कोरोजन आ गया हो पॉइंट पे। तो इसको आप साफ़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना भी कि कैसे इसको हम खुद से ठीक करें। तो चलिए इसके जो कंसोल है इसको हम वापस लगा देते हैं, लगाने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ।
सो गाइज आपने देखा किस तरह से मैंने अपनी अभी अभी कार के जो हैंड ब्रेक का कंसोल से खोल करके वहाँ से जो वायर के कनेक्शन थे उसको किस तरह से मैंने वापस ठीक किया है, मीन्स वापस कनेक्ट किया है। तो हमारी जो हैंड ब्रेक की लाइट थी मीटर कंसोल में वो वापस से ब्लिंक करने लग गई है, वापस से ठीक से वर्क करने लग गई है। तो आप भी अब ठीक तरीके इस तरीके से अपनी वायर को चेक कर सकते हैं यहाँ से, या कनेक्शन को चेक कर सकते हो। सकता है कि वो लूज़ हो या फिर उस पर कोरोजन आ गया हो, तो आप उसको खुद से चेक कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि आपकी भी जो अगर लाइट है वो इस तरह से उस चीज़ को हम डायग्नोज करेंगे तो उससे ठीक हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। तो आपसे मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए गुड बाय।